फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ और आज तो थोड़ी लेट हो गई हूँ, 6:30 हो गई है और मेरा योगा मेट मैंने साथ में ले लिया है और अभी हम कर रहे हैं बाहर वॉकिंग। और हिली आई क्या? फ़ोन उठा रही? ओ यार, इसको फ़ोन करते अभी जस्ट आई हुई योगा करके और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। मस्त स्लीपिंग म्यूजिक सुनते सुनते सो रहे हैं। फुल बॉडी हो गई है, खतरनाक वाली थक गई हूँ जोरदार। तो थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट, अब यानी रेस्ट तो क्या, थोड़ा बैठूँगी और यूँ करूँगी क्योंकि आज अगर नहीं उठते ना तो उठ ही नहीं पाते। आज बॉडी को पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पूरी बॉडी ज़्यादा पेन हो रही थी और हेली दीदी तो उठे ही नहीं, सिर्फ मैं और भाभी कर रहे थे। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं हो चुकी हूँ नहा कर तैयार, बाल बनाने बाकी हैं और ये जो दूसरा सूट स्टिच हो गया है वो आज पहन लिया। अपने पास किसी भी चीज़ की डील नहीं है और खाना भी लगभग बन गया है। अभी इस दाल को मार दूँगी तड़का। मसूर की दाल, चावल भीग गए हैं, आटा भी गूंथ दिया है। सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे ही बनाए थे इसलिए आज थोड़ा सही लग रहा है। एक्सरसाइज करिए, आज थोड़ा सा कम दर्द है, यानी 10% कम दर्द है, पर मैंने हो रहा है काम, पूरा कंप्लीट हो रहा है, जो मुझे चाहिए वो चीज़ हो रही है, तो बस वही है। और कल हम उदयपुर गए थे तो पापा ने सोचा था कि उदयपुर ही मैं क्लिनिक में बता दूंगा, पर उनके दांत में प्रॉब्लम कुछ हो गई थी तो आज बेचारे गए डूंगरपुर। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पूरी रात सो नहीं पाए। तो मम्मी से अब भी बात कर रही थी तो ऐसे बोल रही थी मम्मी, और कपड़े साथ ही साथ धो रही हूँ, अभी कपड़े धुलने बाकी है तो साथ ही साथ कपड़े धो देती हूँ। और टाइम हो गया 11:30। खाना खा लिया है, अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं और मैं चलती हूँ अब शॉप पर क्योंकि अब टाइम हो गया जाने का। फ़ोन भी कल यहीं पे छूट गया था, फ़ोन वगैरह सब ले लेती हूँ, कंप्लीट तैयार कर देती हूँ मेरा पर्स। और नव, तू तो बड़े दिनों बाद व्लॉग में आया। हाय गाइस जैसे तो बोलते हैं, हाय गाइस। तो शॉप पे जाने के लिए निकल गई हूँ। कलर अलग ही, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कलर पहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। चिको, ये कलर कैसा लग रहा है मेरे पे? ठीक है, कलर वाला ज़्यादा अच्छा था। मैं आ गई हूँ शॉप पे और चूज़ से पूछती हूँ मेरा पार्सल कहाँ तक गया हूँ। आज तो मुझे पता ही नहीं था कि आज वीमेंस डे है। आज मैं सब स्टेटस चेक कर रही थी तब पता चला कि आज वुमेंस डे, तो मेरी सारी प्यारी प्यारी वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे। और ऑलमोस्ट मेरे ब्लॉग्स तो वुमन्स ही देखती है और शॉप पे आके फिर कहती भी है, यार इतना सब कैसे कर लेते हो। तो आप भी वही काम करते हो तो मैं भी उसी तरीके से कर लेती हूँ। और आप सबको हैप्पी वुमन डे, वीमेन पावर को। तो और आज वुमन्स डे पर मैंने खुद का ही काम किया है, मेरे लेग वैक्सिंग करनी थी तो अभी मैंने लेग वैक्सिंग करी थी तो वो तो हो गई है। अब आगे जाती हूँ, मेरा एक पार्सल आने वाला था वो आया नहीं है। चिकू को बोलती हूँ ट्रैक करे यार क्या है कैसे है। वुमन्स डे करके सबके मैसेजेस आ रहे हैं, स्टेटस भी आज तो सारी औरतें ऐसे लगा रही है, सब जने कहाँ से कहाँ क्या पता फोटो वगैरह ढूंढ ढूंढ के सब जने डाल रहे हैं। और मैं अभी आगे शॉप पे जाती हूँ और थोड़े कस्टमर्स के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कम्प्लीट करना है, जो भी ड्यू हैं। रास्तों में कपड़े भी आधे अधूरे धो के आई थी, अब पता नहीं घर पर जाऊंगी फिर ही पूरे वॉश कर पाऊंगी। आपको कौन सा चाहिए? विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए? विटामिन ए है एजिंग के लिए, विटामिन बी है ब्लेमिशेस पिंपल्स ऑयली स्किन के लिए, और विटामिन सी है ब्राइटनिंग के लिए। ऐसे ऐसे फिर रिप्लाइज देने पड़ते हैं। आपको भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले गए हो मेरे सैलून से या फिर शॉप से, अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी यानी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को क्योर भी करूँगी। चलते हैं बाहर, ज्योति हाँ ही कर रही है बाहर। अभी बज रही हैं 5:20 और आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जैसे कि। और अभी मेरी शॉप पर मैं न्यू एक बॉटल लाई हूँ और इसका स्प्रे इतना ज़्यादा अच्छा है, यानी मज़ा आता है इसको स्प्रे करने में।
दिख तो नहीं रहा होगा। हाँ तेरे को स्प्रे करूँ मैं? क्यों, मजा आया? एकदम शावरिंग जैसा होता है ये, मज़ा आता है इसको। ये भरा नहीं है, जब भी भर देना छोटे सा। और एक छोटू थी वो, इनको हटा दे, पहले वाली करो आउट, अभी वाली करो इन, और अभी अपन चलते हैं आउट बाहर। काम करो यार, कई आज से पॉलिसी बना भी दो, वुमन्स डे इसलिए हैप्पी वुमन डे। मैं क्या बोलूँ, मैं भी वुमन ही हूँ बोल सकती नहीं, नहीं। ये पूरे बाल लीक और जू वाले हैं, इसको अभी हमने वॉश किया, 3 to 4 times वॉश किया है। अब इसको पूरा मैं ड्राई करती हूँ एंड फिर इसको स्ट्रेट करके पूरे बालों को निकालेंगे, ये एक 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 जो भी जू जो लिखे दिख रही है वो। बाल तो काफ़ी हद तक सही किए हैं, लिक्स भी काफ़ी हद तक, जूहे तो सारी निकाल दी पर लिक्स हैं, उनको निकलने में टाइम लगेगा। अभी ये सारी आपने देखा बालों में से ऑलमोस्ट मैंने तो जूहे तो कंप्लीट कर दी निकाल के, उसके लिए मैंने सोप भी वही यूज़ किया था बालों में से जूहे निकालने का। और फिर मैंने स्ट्रेटनर घुमा दिया, सो स्ट्रेटनर से सारी भी जूहे थी वो यानी मर गई एक तरह से, और जुए जो लीक्स भी थी उनको भी सारी यानी लगभग फूट चुकी थी स्ट्रेटनर से हीटिंग की वजह से। वो ऊपर थोड़ा सा तो कोट उसका रह गया क्योंकि चिपकी हुई रहती, निकलती नहीं है, पर काफ़ी हद तक तो साफ़ कर दिया और हेयर कट भी ले लिया, और बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी कुल मिला के पूरा डैमेज हो गया था। और पीछे है ना पानी बंद हो गया है पीछे, तो मुझे मास्क लगा के ही जाना पड़ेगा क्योंकि विदाउट मास्क तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि एसिड डाला है अभी, एसिड डाला है वापस से, आज नादा जाम हो गया, सारा पानी यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है। ये हमारे बहुत दिक्कत है, यानी हमेशा पानी रुकने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो उसी दिक्कत की वजह से हमेशा यानी क्लाइंट्स होते हैं तभी ऐसा होता है। कौन ही नहीं है, है? ओ मम्मा क्या कर ली है, सफाई कर ली है, खोलो बता, मेरे को रह रहे के याद कराती है, वीडियो ऊंचा करो कैमरा है, सही बात है। तो पहले बात सही कर देने तो फिर हिम्मी तो भूत हो गई ऐसे आएगा, मैं तो डर गई। शाशा का लैपटॉप कहाँ है, बेबी कहाँ है, बेबी बता दो। ये हिमायरा की बेबी है, बेबी दिखा दो बच्चा। मम्मा कहाँ कर ली, ट्री का है ये, क्या ट्री है, अच्छा लकड़ी जो भी दिखे वो ट्री है। हिम्मी क्या कर रही है, देखे। अच्छा आपको देखना है, देखो मैं लेके घूमती हूँ, इसको भी ये पकड़ना है बेटा, आपको नहीं पकड़ा जाएगा, तेरे जितना वजन है बेटा इसका, लेंस खराब हो जाएगा। ओ उपल के की, हाँ क्या, हाँ क्या, क्या है ये मेरा ये पेन, खले खले सुन, आ जाओ ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ में आ जाओ, ऊपर आ जाओ, लो चलो चलो लो हिम्मी, लो वीडियो ले रही है, इसको खुद को देखती है तो करेगी। ओ गई हिम्मी, दादी नानी का फोन आया, बात करो, चलो आ जाओ, आशु आशु बच्चा मैं जा रही हूँ दुकान जा रही हूँ, आ जाओ, ऐसे ही कर करके बात होती, इधर देख, अरे दुकान जा रही हूँ, माँ करते पहले, इधर देख।
पर मेरा हाथ पकड़ने जाला विन कर दे ये दौड़े बाय बाय कर दे बजा दो शू निकाल दो ए भगवान लेट्स गो हिम्मी आ गई है साथ ही साथ बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है कौन है अंदर शाशी तो ये ली ना अंदर कौन है दादी को बोलो गेट खोलो अनल तेरे और लेकर कैसे जा रहे दोनों टाइम बस एक्सरसाइज कर करके ही दुबली हो जाऊंगी पर 1 किलो कम कर दिया 3 दिनों में खुश हो गई मैं 1 किलो कम कर दिया है मैंने 1 किलो खाओ बच्चा आई डोंट नो क्या है देखने अंदर मेथी साफ की है मेथी के पराठे बनाने का अभी पूरा विचार हो रहा है और फाइनल है मेथी के पराठे मेरे हाथ के हाँ कहाँ हो गया अच्छा आपको भी आना है यूं अच्छा कुछ बोलो ना आके शिवजी का सब्जी का शिवजी ये क्या क्या फिस फिस क्या हिमायरा हिम्मी ये अब इसको कहते हैं हिम्मी यू ये कर दिए हिम्मी तो अभी सफाई चढ़ चिड़ गई है बाहर पूरी साफ़ सफाई तो उसकी कर दी है मेथी की और साफ़ सफाई साथ ही साथ होली की भी चल रही है तो मेथी के पराठों की कर देते एक बार तैयारी और साथ ही साथ ये दोनों जने क्या खा लो तुम दोनों जने क्या खा लो मम्मी ये हमारा खाना मेथी की पूड़ियाँ तैयार है पापड़ के साथ तो अब खा लेती हूँ और लेट भी हो गई 9:30 तो हो गए पर खाना खा के फिर थोड़ी देर वॉक कर लूँगी तो सही रहेगा और कल हमको जाना है उदयपुर तो उसी की प्लानिंग सेट कर रहे हैं पहले से कैसे क्या करना है क्योंकि प्लानिंग से नहीं जाते तो कुछ काम प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाता इसलिए तो यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड अगर आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में बाय okay,